कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका दिता गया है। जी हाँ, कनाडा जाने वाले चाहवान ये खबर नूं ध्यान दे नाल जरूर सुनन, क्योंकि हुण उन्हां नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका दिता गया है। ट्रूडो सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। तो तुहानूं दस दईए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ते हुण कैपिंग की गई है। तुहानूं दस दईए कि जिथे कि कनाडा हुण बेरोजगारी ते रिहायशी की समस्या का सामना कर रहा है, तो उत्थे ही इसका सीधा असर इंटरनेशनल विद्यार्थियों उत्ते पवेगा। ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% की कटौती की है। तो हुण कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका लग्या है, जिथे कि इसका सीधा असर इंटरनेशनल विद्यार्थियों उत्ते पवेगा। कनाडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अहम ऐलान किया है। हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही सारे विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। जी हाँ, कनाडा सरकार ने एक अहम ऐलान किया है, जिथे कि हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। तो कनाडा सरकार ने कह सकते हैं ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% की कटौती की है। तुहानूं दस दईए कि इमीग्रेशन रिफ्यूजिज एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने ऐलान किया है कि वह स्टडी वीज़ा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती ते 2 साल लई ए कैप लगाएगा। मीडिया रिपोर्टां दे अनुसार IRCC का कहना है कि अगले 2 सालों दे विच कैनेडियन स्टूडेंट परमिट प्राप्त करने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती दे विच 35% कमी आएगी। तो वड्डी खबर कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स लई आई है, जिथे कि कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका लग्या है। हुण उन्हां नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही सारे विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। तो कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं झटका लगा है। तो ट्रूडो सरकार ने वड्डा फैसला किया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हुण कैपिंग की गई है। तो तुहानूं दस दईए कि कैनेडा हुण बेरोजगारी ते रिहायशी दी समस्या दा सामना कर रहा है। हुण इसका सीधा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उत्ते पवेगा। ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% की कटौती की है। कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका दिता गया है। जी हाँ, कैनेडा जाने वाले चाहवान ये खबर नूं ध्यान दे नाल जरूर सुनन, क्योंकि हुण उन्हां नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका दिता गया है। ट्रूडो सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। तो तुहानूं दस दईए कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ते हुण कैपिंग की गई है। तुहानूं दस दईए कि जिथे कि कैनेडा हुण बेरोजगारी ते रिहायशी की समस्या का सामना कर रहा है, तो उत्थे ही इसका सीधा असर इंटरनेशनल विद्यार्थियों उत्ते पवेगा। ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% की कटौती की है। तो हुण कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका लग्या है, जिथे कि इसका सीधा असर इंटरनेशनल विद्यार्थियों उत्ते पवेगा। कैनेडा सरकार ने अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए अहम ऐलान किया है। हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही सारे विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। जी हाँ, कैनेडा सरकार ने एक अहम ऐलान किया है, जिथे कि हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। तो कैनेडा सरकार ने कह सकते हैं ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% की कटौती की है। तुहानूं दस दईए कि इमीग्रेशन रिफ्यूजिज एंड सिटीजनशिप कैनेडा ने ऐलान किया है कि वह स्टडी वीज़ा जारी किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती ते 2 साल लई ए कैप लगाएगा। मीडिया रिपोर्टां दे अनुसार IRCC का कहना है कि अगले 2 सालों दे विच कैनेडियन स्टूडेंट परमिट प्राप्त करने वाले अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की गिनती दे विच 35% कमी आएगी। तो वड्डी खबर कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स लई आई है, जिथे कि कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं वड्डा झटका लग्या है। हुण उन्हां नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, हुण निजी कॉलेजों तो ग्रैजुएट होने वाले विद्यार्थियों नूं वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इस दे नाल ही सारे विद्यार्थियों के परिवारों नूं भी हुण वर्क परमिट तो वांझा रहना पवेगा। तो कैनेडा जाने वाले स्टूडेंट्स नूं झटका लगा है। तो ट्रूडो सरकार ने वड्डा फैसला किया है।
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से हुण कैपिंग की गई है। तुहानू दस दिए कि कैनेडा हुण बेरोजगारी ते रिहायशी दी समस्या दा सामना कर रहा है। हुण इस दा सीधा असर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उत्ते पवेगा। ट्रूडो सरकार ने स्टडी वीजे ते 35% दी कटौती की है।